प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सतगुरु कबीर साहब जय। आप सब सुनना तो पता ही है कि आज की एक कार्यक्रम कौन से उपलक्ष्य में रखे गए हैं। आज का ये कार्यक्रम जन्मोत्सव छठी नामकरण का कार्यक्रम है। आपके पावन राम लटेरा में चिरंजीव लेखराम साहू जी और सौभाग्यकांक्षी डिंपल साहू जी को प्रथम संतान के रूप में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है और जिनके शुभ अवसर पर ही ये भजन का कार्यक्रम साधु संतों के सानिध्य में सत्संग का कार्यक्रम आयोजित है। जीवन को एक दिशा देने के लिए, जीवन को मनुष्य जीवन की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए या जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर व्यक्ति के जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है। इससे हम दूर नहीं हैं। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, बावजूद जानता भी है कि सुख और शांति कहां पर है। लेकिन इस जीव का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि उनका मन उस पर लगता नहीं, लेकिन लगाना चाहिए। हमारा मन लगता है राग रंग की चीजों में, नाच गान में और भी चीजों में, होना भी चाहिए। क्यों ना हम उसका भी आनंद लें, तभी हम जीवन की दशा को समझ सकते हैं, वास्तविकता को समझ सकते हैं। जिनके जीवन में किसी भी चीज का एक पक्षी होता तो जीवन की समग्रता को नहीं समझ पाएंगे। हमें उत्सव भी करना चाहिए, आनंद भी लेना चाहिए, हमें वहां भी जाना चाहिए जहां पर नाच तमाशा का आयोजन होता है। यदि हम जाएंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो समझेंगे कैसे और हम तुलना कैसे कर पाएंगे कि ये सत्संग का आनंद है और ये नाच सिनेमा का आनंद है। जब दोनों में हम, दोनों का हमको अनुभव होगा, दोनों चीजों का हमारे जीवन में अध्ययन होगा, तभी हम अनुभव कर सकते हैं कि वाकई में वास्तविक सुख कहां पर है। आज वो नवजात बालक जो इस साहू परिवार में जन्म लेकर के आए हैं, कितना सौभाग्यशाली है जिनके घर में, जिनके स्वयं इस परिवार के मुखिया परम आदरणीय जो दादा है जयतुराम साहू जी और माता श्रीमती बिरजाबाई जो कि दादी हैं, जिनके घर में स्वयं उनके ही सुपुत्र जो हैं, एक संत परिपाटी में आज हमारे साधु संतों के बीच हैं, है ना, जिनका एक नाम है छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम उम्र में बहुत ऊर्जावान और साधना परक संत, उनके गांव, उनकी धरती, उनके माता पिता जो जन्म देने वाले, उनके घर में एक नई संतान का आगमन हुआ है। मैं तो ऐसे धरती को सादर प्रणाम करता हूँ, साहेब बंदगी करता हूँ और इस गांव वालों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि लटेरा गांव, एक सुंदर सा नाम, सुंदर सी जगह, लवण क्षेत्र, बलौदा बाजार जिला, जहाँ पर ऐसे संत का भी प्रादुर्भाव हुआ है और निश्चित रूप से कोई ना कोई और संत आए हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसके घर में उसी के अनुरूप आगमन भी होता है और निश्चित रूप से ये धरती, ये वातावरण भी कहीं ना कहीं उस संत को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। कहा जाता है ना कि प्रकृति भी सहयोग करते हैं। यहाँ के जो तालाब, यहाँ के पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का अनाज, सब कुछ का उपकार है। निश्चित रूप से ये उस गांव की प्रतिभा को भी बताता है इस वाकई में ये गांव कैसा है। तो मैंने कहा कि सचमुच में ये धरती प्रणाम योग्य है,
हम सबको चाहिए कि हम भी अपने जीवन को मनुष्य जीवन की जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। वो उद्देश्य क्या है? हर आदमी चाहता है अपने जीवन में सुख और शांति, आनंद चाहता है, और वो आनंद कहाँ है इसकी पता उसको नहीं होता, और उसी का पता ठिकाना सत्संग में बताया जाता है। सौभाग्य का विषय है कि मैं तो भजन के लिए पहुंचा ही हूं, पूर्वाही भजन संध्या सत्संग सरिता मानस मंडली के नाम से हमारी ये छोटी सी मंडली संचालित होती है, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर जा करके राम कथा और भजन प्रस्तुतिकरण करते हैं, जागरण का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आज सौभाग्य कि आपके गांव में आगमन हुआ, और साथ साथ हमारे बीच में हमारे पूजनीय संतजन भी विराजमान हैं, तो बीच बीच में हम उनके सुंदर विचार सुनेंगे जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एक बच्चे के जीवन में या हम सबके जीवन में क्या संस्कार होना चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए, हमारे साथ हमारे व्याख्याकार साथी भी हैं। छोटे छोटे विचार आपको एक छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आप सबके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उस प्रस्तुतिकरण के साथ साथ आप लोगों को बीच बीच में भजन भी सुनाया जाएगा, और दोनों का आज संगम है। तो मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं, यहाँ के माता बहनों से, बहुत संख्या में आप लोग आए हैं, और भी आप सब लोग आइए, क्योंकि जीवन तो यूं ही बीता जा रहा है खाने कमाने में। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। रात गवाया सोए कर, दिवस गवाया खाए, अरे हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदली जाए। ये तो ऐसे ही बीता जा रहा है, क्यों ना इसको हम अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी लगाएं। ये पशु भटक रहा है, इनके जीवन में क्या है? इन पशुओं के जीवन में खाना कमाना, बाल बच्चा पैदा करना, और इतने में ही जीवन को समाप्त कर देना। हमारा भी जीवन यदि इसी प्रकार से है, खाते हैं कमाते हैं रात में सो जाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं और इतने में मर जाते हैं, तो फिर मनुष्य जन्म लेने का फायदा ही क्या हुआ? यदि फायदा लेना है तो सत्संग में आना पड़ेगा, और सत्संग ही एक ऐसी जगह है जो मनुष्य की बुद्धि को क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसको एक सही स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। मनुष्य सब सत्संग में आया है, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। इन्हीं सत्संगियों के माध्यम से बड़े बड़े जो डाकू कहलाने वाले लोग थे वो साधु संत बन गए। आप सभी जानते हैं वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, वो कभी डाकू हुआ करते थे, लोगों को लूटा करते थे, मारा करते थे, लेकिन जब वही संतों की सत्संगत में आए, सप्तर्षि के संगत किए, तो उनका जीवन बदल गया। और कैसे बदला? दुलारे राम राम श्री राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन राम श्री राम कौशल्य दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम।
राम कथा सियो पुनि पुनि गाए, जग जननी के मन अति भाए। ब्रह्मा गणपति गण नारद ने तन मय किया श्रवण छोड़ कर सारे पागल मन। राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन। राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम श्री राम कौशल्य दुलारी। राम श्री राम दशरथ प्यारे। राम श्री राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। क्रूर कराल दशरथ ना कर, एक दिन पापों से उकता कर। राम कृपा से मरा मरा जप, बदला अपना मन छोड़ कर सारे पागलपन। राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन। राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम श्री राम कौशल्य दुलारे। राम श्री राम श्री राम दशरथ प्यारे। राम श्री राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। सीता राम रघुपति राघव राजा राम। सीता राम रघुपति राघव राजा राम। जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदा अमंगलकारी। अमर हो गया उस तुलसी का रामचरित गायन। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अगर चरित्र को देखें हम, उनके जीवन को देखें, तो हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन हम लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, घासीदास बाबा जी को मानते हैं। जो जिसको मानते हैं उसको मानते हैं, मगर अफसोस की बात है कि हम उनकी नहीं मानते हैं। वो कैसे जीवन जीने की बात बताते हैं जिससे हम लोग बहुत दूर रहते हैं। हाँ, कबीर साहब का चित्र है, आरती घुमा लो, पूजा कर लो, संध्या पाठ कर लो, लेकिन कबीर साहब ने जो कहा है उस रास्ते पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो चलने का प्रयास करते हैं। अब जब चलेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, यही जीवन की सच्चाई है। और जब तक नहीं चलेंगे हमारा आपका जीवन बदलेगा भी नहीं। बदलना है, बदलने का नाम ही जीवन है। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, भजन में गाया गया है। आइए छोटे छोटे विचार हम अपने संतों से श्रवण करते रहेंगे।